कमेरा पदयात्रा के तहत अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्लवी पटेल झांसी से चलते हुए रविवार को घूरपुर के सेमरा कलवना पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा दाढ़ी और मामा भांजा तालाब, बादलगंज, इरादतगंज, घूरपुर, सेमरा कलवना, गौनिया होते हुए करमा पहुंची, जहां पदयात्रा का समापन हुआ। क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर जब पत्रकारों ने पल्लवी पटेल से सवाल किए तो उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में किसान खेती को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित है। आवारा पशु उनकी फसलें पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं और जो वर्तमान में धान की फसल तैयार हुई है उसकी बिक्री के लिए जब किसान सरकारी केंद्र पर जाते हैं तो केंद्र संचालक लेने से मना कर दे रहे हैं, जिस पर किसान मजबूरन व्यापारियों के हाथ पौने दाम में बेच रहे हैं। पल्लवी पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है, जिसके चलते किसानों को फसल सरकारी क्रय केंद्रों पर बेचने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा बेटियों की असुरक्षा, महंगाई व भ्रष्टाचार की बातें भी पत्रकारों से कही गई। पदयात्रा में पंकज निरंजन पटेल जिला अध्यक्ष, मानिक चंद पटेल जिला उपाध्यक्ष, राजकुमार पटेल पूर्व जिला सचिव, नंदलाल पटेल करछना विधानसभा अध्यक्ष, डॉक्टर राम सागर पटेल कोराम विधानसभा अध्यक्ष, शेर बहादुर पटेल, अजय पटेल, रमेश चंद पटेल, शिव बहादुर पटेल, बाबूजी पटेल आदि सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। कमेरा चेतना पदयात्रा निकालने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इस देश में किसान, मजदूर, मेहनतकश और कमा के खाने वाले समाज जो कि कमेरा समाज है, उसके हक और अधिकारों की अनसुनी लगातार हो रही है और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वर्तमान परिवेश में कि उनके हक और अधिकारों की सुनिश्चित करते हुए उनकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए इसको एक आंदोलन में परिवर्तित करना, सड़कों पर लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रयागराज से सुनील यादव की रिपोर्ट।